मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रफ्तार और लापरवाही के कहर ने एक बार फिर एक 3 साल के मासूम सहित एक वृद्ध महिला की जान ले ली। बताया जा रहा है कि यहां एक बेकाबू ट्रक मकान में जा घुसा, जिससे एक 3 वर्षीय मासूम और करीब 65 वर्षीय वृद्ध महिला की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहां आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। दरअसल यह पूरा मामला दमोह जिले के हिंडोरिया से जुड़ा है, जहां बीती शाम एक मुस्लिम समुदाय का कोई कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच दमोह की ओर से तेज रफ्तार सीमेंट की बोरियां लेकर आ रहा एक ट्रक अचानक बेकाबू होकर मकान में जा घुसा, जिससे 3 साल के मासूम सहित एक वृद्ध महिला की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते समय फोन पर बात कर रहा था, इसी दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर मकान में घुसा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल ही घायलों को हिंडोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल दमोह रेफर किया गया है। वहीं इस पूरे मामले के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होना बताया जा रहा है। एक जगह जहां पे पूजा, मुस्लिम परिवार है, पूजा का कार्यक्रम हो रहा था, वहां पे एक अनियंत्रित सीमेंट ट्रक जो है वो जाके वहाँ पे एक्सीडेंट होने का और घर के अंदर जो है घुसने का वो मैसेज आया था। तो उस पूरे वो घटना स्थल की जानकारी जो है हम लोगों को प्राप्त होने के पश्चात जो अपनी पूरी टीम जो है वहाँ पे पहुँच गई है। हेल्थ की टीम है, नगर पालिका की टीम है, पुलिस की टीम है, रेवेन्यू की टीम पूरी वहाँ पर पहुँच गई है। अभी तक जो है हम लोगों को एक महिला और एक बच्चा की डेथ होने की मैसेज जो है वो प्राप्त हुआ है। एक बच्चा को प्रिलिमिनरी फर्स्ट एड जो है वो देखे हिंडोरिया हॉस्पिटल में ही रखे हुए हैं, और बाकी का वहाँ पे जो ट्रक है और वहाँ पे जो बेटा सामान है, सामान या मलवा जो भी है, उसको वहाँ से निकलवाने की काम जो है वो लगातार वहाँ पे की जा रही है। और कोई भी हो वो भी हम लोग जो है पूरी तरह जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैसेज ये। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने महिला और मासूम बच्चे के सबका पंचनामा कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है।